अच्छा, मनिका से कांग्रेस के विधायक रामचंद्र सिंह को उत्कृष्ट विधायक के तौर पर सम्मान मिला है। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है और एक जिम्मेदारी की भी बात है। खुद विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, एक ऐसा वक्त आया है जो तमाम विधायक चाहते हैं कि इंडिविजुअल तौर पर उनको सम्मानित मिले। आपको क्या लगता है कि आपके राजनीतिक जीवन में ऐसा कौन सा मोड़ रहा है जिसकी वजह से ये सम्मान प्राप्त हुआ? देखिए, मैं अपना काम कर रहा था जिस जहाँ से हम लोग, पहला चीज़ जान लीजिए कि झारखंड बिहार का विभाजन हुआ, इसी के चलते कि झारखंड विकास नहीं कर पा रहा था बड़ी राज्य होने के चलते। तो अब चूंकि यहाँ हम अपना काम कर रहे थे, जो जनता जिम्मेवारी दी थी उसका मैं निर्वहन कर रहा था। अब इसी के दरमियान हमारे माननीय अध्यक्ष या उनके अध्यक्ष जी की जो समिति है, उनको लगा कि हम अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और अभी माननीय महामहिम जी के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, तो हम लोग और काम करेंगे, और काम करना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि के लिए उसके विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो कितना आपसे संतुष्ट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या यहाँ से सम्मान मिलना? नहीं, देखिए, अपने क्षेत्र के जनता को जो जो जवाबदेही जिम्मेवारी है, सबसे पहला चीज़ है कि उनको हमको संतुष्ट करना है, तो वो संतुष्ट हों। और इसके बाद यहाँ से भी हमको ये हो, मैंने चौतरफा अगर हम विकास हो तो बढ़िया है। अनकरीब 2024 का लोकसभा विधानसभा चुनाव है, लग रहा है इस सम्मान के बाद आपके अंदर भी ऊर्जा का जो प्रचार प्रसार है वो तेज़ हुआ? देखिए, हमारे जो अपने क्षेत्र के लोग हैं, जिला के लोग हैं, हम लोग ऊर्जा में कभी कमी नहीं है। हम लोग काम करते जा रहे हैं सिलसिलवार, और करेंगे, और हम लोग की कहीं उसमें ऊर्जा में कमी नहीं, और ऊर्जा बढ़ा है, इससे और जिम्मेवारी जवाबदेही बढ़ी है। आमतौर पर रामचंद्र सिंह जी को हम लोग मीडिया में बहुत कम ही देखते हैं, एक ऐसा उपलक्ष्य है जिसके तमाम मीडिया कर्मी आपके सामने एक के बाद एक आ रहा है। आपको लग रहा है ये जो जिम्मेदारी मिली है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, इसका निर्वहन एक और ध्रुव कार्य आपके लिए हो गया? जी, एकदम निश्चित रूप से हम लोग को करना चाहिए, हम करेंगे इसको, और हम कोशिश करेंगे किस पर हम खरा उतरे। आपके इस सम्मान में पार्टी का योगदान कितना है, पार्टी का जो मार्गदर्शन रहा वो कितना इम्पोर्टेंट? देखिए, सबका योगदान है। आप शुरू से 1995 से लेकर आज तक जितने हमारे राजनीतिक जीवन में नेता आए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमको लाए राजनीति में, इसके बाद धीरे धीरे क्रम ये होते गया, आदरणीय धीरू प्रसाद साहू जी के चलते अभी उनके इससे हम आए कांग्रेस में, अब आदरणीय आलमगीर साहब हमको अभी इनके नेतृत्व में हम काम किए, हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी हमको समय समय पर उनसे हम मार्गदर्शन लिए और काम किए, सब लीडरों का, और विपक्ष के भी बहुत से लोग हैं जिनसे हम कभी जो काबिल हैं उनसे हम सलाह लिए, और उनका सलाह पे हम अपने क्षेत्र में काम किए, उससे भी हमको फायदा हुआ, तो सब लोगों का योगदान है हमारे पीछे। एक छोटा सवाल, ऐसा नहीं लगता है रामचंद्र सिंह जी को कैबिनेट में मंत्रिपरिषद में भी होना चाहिए? अब देखिए, अभी तो हमारे पार्टी के जो नेता हैं उनकी जिम्मेवारी जवाबदेही, अगर उसके लायक हमको समझेंगे तो निश्चित रूप से करेंगे। मैं अपना काम करूंगा, काम करते रहे। आपने सुना, ये थे कांग्रेस के मनिका से विधायक रामचंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की कि पार्टी के मार्गदर्शन पर और स्थानीय जो जनता है, जो उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनके मार्गदर्शन पर उन्होंने काम किया, और उन्हीं काम को देखते हुए विधानसभा सचिवालय की ओर से, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से और पूरी सरकार की ओर से उनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इस सम्मान के बाद उनके अंदर ऊर्जा का प्रचार प्रसार हुआ है, लिहाजा वो कोशिश करेंगे कि 2024 के चुनाव में भी अपनी काबिलियत को और अपनी अहमियत को वो साबित करें। कैमरामैन नूतन के साथ विधानसभा परिसर से शाहनवाज।